सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी नहीं गिरने देता है, ना किसी की नजरों में ना किसी के कदमों में। जब इंसान पर मुसीबत आए तो कभी ये ना सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचो अब हमें कौन छोड़कर जाएगा। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनाते हैं। इंसान जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। आज का पंचांग 12 फरवरी 2020, दिन बुधवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात्रि 11:49 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 11:46 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय 12:36 से 1:58 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अगर आज आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। मीन राशि 12 फरवरी 2020, दिन बुधवार, आज किसी पारिवारिक समारोह की संभावना है, इसलिए कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएं। ये मुझे करने का समय है। ये पारिवारिक समारोह आपके व आपके परिजनों के लिए खूब सारी खुशियां लेकर आएगा। आज के दिन अपनों के साथ मजे करने का है, इस समय का भरपूर आनंद लें। यह आपके लिए अपने आप से किए हुए वादे और अपनी योजनाओं को अमल में लाने का बहुत अच्छा समय है। नई योजनाएं भी जल्द ही कामयाब होगी। हालांकि दोस्तों के साथ मजे करने और थोड़े मनोरंजन के लिए भी अच्छा समय है, इसलिए शाम को सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होने की योजना बना सकते हैं। अफवाहों से बचें और आनंद उठाएं। आप अपने करियर के बारे में अधिक सोचेंगे और इसी में अधिक समय व्यतीत करेंगे। इस समय आप अधिक आधिकारिक होने का प्रयास कर रहे हैं। आपके शब्द और उनके पीछे की शक्ति लोगों को प्रभावित कर सकती है। घर में मरम्मत या कोई खरीदारी अभी जरूरी हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से मिलना हो सकता है जो निजी एवं व्यवसायिक रूप में आपकी सहायता करेगा। कुछ पुराने रिश्ते यदि दूर जा रहे हैं तो निराश न हो, इसमें भी आपकी ही भलाई है। यदि किसी चीज को जकड़ के रखने का प्रयास करेंगे तो दर्द आपको ही होगा। सावधानियां, नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करें, यह आपके लिए गिरावट का कारण बन सकती है। किसी जरूरी काम जैसे वाहन की मरम्मत या घर के नवीनीकरण में देरी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे तो बाद में आपको अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आप अपने करियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिनकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान दें, आकृष्ट करें, अन्यथा भविष्य में समस्या आ सकती है। करियर की बात करें तो आज के दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपकी व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। ये जरूरी है कि आप विपणन नीतियां बनाते हुए न्यायसंगत निर्णय लें ताकि आप बेहतर नीतियां बना सकें। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तो वे काफी अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो संतुलित भोजन, योग और ध्यान से आपको
अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने और अपनी तन मन में जमे हुए तनाव को बाहर निकालने का बहुत अच्छा तरीका मिल पाएगा। अन्य वैकल्पिक उपाय और दूसरी थेरेपी भी काफी फायदेमंद साबित होगी, लेकिन उनका फायदा उठाने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य में खुद रुचि लेनी होगी और ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। आज का उपाय, आज जब गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ें, उन्हें सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।